जो गाना नया बनाए वो भी नकल कर ली। अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी। जिस किसान ने अर्थव्यवस्था बचाई भारत की, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव मुहाने पर है और इस चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने जिस बात को कहा था, आज से उसी का आगाज उत्तर प्रदेश में हो चुका है। फिलहाल इसका आगाज कुछ दिनों पहले भी उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में हुआ था, लेकिन राजधानी लखनऊ में पहली बार ऐसा हुआ कि अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं देश के, वो राजधानी लखनऊ पहुंचे और उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को और मजबूत करने के लिए जो संगठन है, उस संगठन को बड़ा करना, उसको विस्तार करना और संगठन कितना जरूरी है, पार्टी के कार्यकर्ता कितना जरूरी है, इन सब का जो टॉनिक था वो हर कार्यकर्ता को आज राजधानी लखनऊ में मैदान में बैठे जो कार्यकर्ता थे उनको दिया है। सबसे अहम बात यह है कि आज के इस कार्यक्रम में अवध क्षेत्र के करीब 14,000 जो कार्यकर्ता थे बीजेपी के, वो शामिल हुए थे और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अगर हम बताएं तो अब तक बीजेपी करीब 2.5 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जिसे 4 करोड़ तक ले जाने का जो दावा है वो अमित शाह कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनवरी तक इस 2.5 करोड़ के आंकड़े को बढ़ा करके 4 करोड़ तक करना है। आज के इस कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कई सारी प्रमुख बातें की। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरह से उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में या फिर देश में जगह जगह पर सही तरीके से लागू हो रही हैं। और सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने बीती सरकार यानी अखिलेश यादव पर भी काफी कुछ सवाल खड़े किए और सबसे अहम बात यह रही कि उन्होंने ये जरूर बताया कि अगर केंद्र में हमें फिर से आना है, अगर जनता चाहती है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, तो उत्तर प्रदेश में जनता को बीजेपी का साथ देना बहुत जरूरी है। अमित शाह ने कहा कि 2024 की नींव अगर डालनी है तो उस नींव को डालने का जो पहला पत्थर होगा, जो पहली कड़ी होगी, वो उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव है। अगर 22 में बीजेपी एक बार फिर से 300 से ज्यादा सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में काबिज होती है तो ये मान लीजिएगा कि केंद्र में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार बनाने वाले हैं। 2014, 17, 2019 में जब सरकारें नहीं बनी थी या फिर जब सरकार बनी थी तब उस दौरान पत्रकार जो थे वो अमित शाह या बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछते थे कि आपका जो संगठन है, आपके जो कार्यकर्ता है, वो पहले से ही 1.86 करोड़ लोगों का है, 1.86 करोड़ कार्यकर्ता पहले से ही आपकी पार्टी में है, आप इसे और क्यों बढ़ाना चाहते हैं। इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने उस दौरान कहा था और आज उस बात का उन्होंने जिक्र किया कि मैं उस दौरान ये कहता था कि हम कोई पार्टी नहीं है, हम एक विचारधारा है जो जनता के घर घर तक जाने का लक्ष्य रखती है और इसी वजह से हम अपने इस संगठन को, अपने इस कार्यकर्ताओं के समूह को बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई एनजीओ नहीं चलाते हैं, हम एक एक सोच के तहत पार्टी में काम कर रहे हैं और उस सोच का काम यही है कि जनता तक कैसे सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है और बीजेपी किस तरह से उत्तर प्रदेश और देश का विकास कर रही है, उत्तर प्रदेश के अन्य जो जिले हैं उनका विकास कर रही है, इसके अलावा देश के अलग अलग जो राज्य हैं उनका विकास कर रही है, इन सारी बातों को लेकर जनता के घरों तक जाना है, उनके दरवाजों तक जाना है और उसी की नींव रखने के लिए आज अमित शाह राजधानी लखनऊ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पूर्व की सरकारों पर काफी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले या फिर 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकारें या फिर केंद्र में दूसरी सरकारें थी तो उन्होंने किस तरह से काम किया, उन्होंने ये गिनाया, उन्होंने ये बताया कि अखिलेश यादव मुझे ये बताएं कि 5 साल में वो कितने दिन विदेश में रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव शासन सत्ता इसलिए चलाते थे क्योंकि वो अपने परिवार का विकास चाहते थे, वो खुद का विकास चाहते थे और एक जात का विकास चाहते थे। जात का मतलब समझ रहे ना, जात का विकास उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि कहा यही जाता रहा है कि जब भी अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है तो एक विशेष जात का
उद्धार किया गया है। उस जात को लेकर कई सारे आरोप उनके ऊपर लगे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त बीजेपी भी जात के नाम पर ही कई सारे सम्मेलन कर रही है और वो पिछड़ी जाति से ही आते हैं, जिनकी जिनका जो जिक्र है आज अमित शाह ने मंच से किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बीती सरकारें स्वास्थ्य को लेकर बेहतर काम नहीं कर रही थी, विकास को लेकर बेहतर काम नहीं कर रही थी। हमारी सरकार ने गैस कनेक्शन दिया, हमने आवास दिया, हमने सारी चीजों को स्थापित और बेहतर करने की कोशिश की। अमित शाह फिलहाल इस वक्त बीजेपी कार्यालय में है और वहां पर वो जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जितने नेता हैं उनके साथ बैठक करेंगे, मुलाकात करेंगे। और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भी उनका एक कार्यक्रम है जहां पर वो पूर्व विधायक सांसदों के साथ मुलाकात करके आगे की रणनीति तय करने वाले हैं। इसके अलावा आज एक और सदस्यता अभियान, क्योंकि ये बात हो रही थी सदस्यता अभियान की जो कि बीजेपी चला रही थी, आज अमित शाह मौजूद थे, एक और दूसरा सदस्यता अभियान जो है वो चल रहा था। एक बड़े पैमाने पर अगर हम बताएं तो कांग्रेस के कुछ पुराने नेता रहे हैं, उन नेताओं का एक समूह जिसमें हरेंद्र मलिक जो कि पूर्व सांसद हैं और पंकज मलिक जो कि कांग्रेस के विधायक रहे हैं, वो आज कई सारे कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सदस्यता अभियान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीते काफी लंबे समय से समाजवादी पार्टी में छोटी छोटी पार्टियों के साथ साथ कई बड़े नेता जो हैं वो इस पार्टी में जुड़ते जा रहे हैं और उसी में आज का ये भी अभियान जो था वो देखने को मिला, जिसमें समाजवादी पार्टी में कई सारे बड़े नेता मौजूद हुए। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी किसान विरोधी सरकार है, वो किसानों के हित के लिए कोई काम नहीं कर रही है। बीजेपी में वो लोग सर्वोपरिवे हैं जो कि सेंसेक्स के कांटे को ऊपर नीचे होता हुआ देखना चाहते हैं, वो किसानों का हित नहीं चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि सेंसेक्स कब ऊपर जा रहा है और सेंसेक्स कब नीचे जा रहा है, मतलब व्यापारियों की या फिर बड़े बिजनेसमैनों की पार्टी कहीं ना कहीं करार दिया गया है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सरकार को क्या करना है, सरकार को किस तरह से जवाब देना है, ये जनता सही तरीके से जानती है और जनता ये जानती है कि सरकार को अब क्वारंटीन करने का समय आ चुका है। बीजेपी के जो दो इंजन है, क्योंकि बीजेपी लगातार कहती है कि उत्तर प्रदेश में हमारे डबल इंजन की सरकार है, अखिलेश यादव ने ये कहा कि ये डबल इंजन आपस में ही लड़ते मरते जा रहे हैं और इसका नुकसान 2022 में इनको भुगतना पड़ेगा क्योंकि जनता ने पूरा मूड बना लिया है इनको खदेड़ने का। एक रैली मऊ में हुई थी कुछ दिनों पहले जहां पर समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर ने अपनी ताकत दिखाई थी, और एक सदस्यता अभियान आज लखनऊ में हुआ जहां पर बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन, अपना शक्ति अभियान दिखाया। तो ये जो रस्साकशी है वो चल रही है। और एक और दूसरा पहलू इसी राजनीति का ये है कि प्रियंका गांधी राजधानी लखनऊ में है, वो कल ललितपुर पहुंची थी, उन्होंने मृतक किसानों से मृतक किसान के परिवारों से मुलाकात करी और उन्होंने भी वहां पर यह आरोप लगाया कि किसानों को खाद नहीं मिल रही है, उर्वरक नहीं मिल रहा और उसी वजह से किसान आत्महत्या कर ले रहे हैं या फिर वो मर जा रहे हैं। तो इस तरह के आरोप जो लगे हैं बीजेपी के ऊपर और उसके बाद बीजेपी की तरफ से जो पलटवार हुए हैं सदस्यता अभियान के तहत अमित शाह ने मंच से लगाए हैं बीती सरकारों पर, विपक्षियों पर, इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे कि अब आगे की क्या रणनीति है इन मौजूदा दलों की। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब अयोध्या आए थे और अयोध्या आने के बाद से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी थोड़ी सी साइलेंट मोड में चली गई है, क्या कुछ नई रणनीतियां इनकी तरफ से बन रही हैं, क्या कुछ है, इन सबको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, कुछ बयान सुनिए और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि अब आगे की क्या रणनीति है, माहौल क्या है और बीजेपी ने आज जो अपना शक्ति अभियान चलाया है उससे बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा, विपक्षियों को कितना नुकसान होने वाला है। और मित्रों आज फिर से चुनाव के नगाड़े बजे हैं, मैं देखता हूं 5 साल तक जो लोग अपना घर पकड़कर बैठ गए थे वो नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। मगर मैं एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूं कि 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे, इसका हिसाब जरा लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहां थे इसका हिसाब दे दीजिए। मित्रों ये लोगों ने शासन स्वयं के लिए, परिवार के लिए और ज्यादा से ज्यादा सोच बहुत बड़ी हो गई तो अपनी जाति के लिए किया है, इसके अलावे किसी के लिए शासन नहीं किया। मित्रों ये भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों की बातों को जानती है, वो जो आप लेकर आएंगे पार्टी को देंगे। धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव
इसको संकलित कर 2022 से 2027 का अपना चुनावी घोषणा पत्र भी बनाएंगे मित्रों। और ये घोषणा पत्र हमारे यहां कोई एनजीओ नहीं बनाता है, भारतीय जनता पार्टी में घोषणा पत्र कोई सर्वे एजेंसियां नहीं बनाती है, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता ये उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की जनता का संपर्क कर उनकी इच्छा को जानकर उनकी इच्छा का एक प्रतिघोष इस घोषणा पत्र में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कई साल तक ये सपा बसपा बसपा सपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था, यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की, पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका है। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे, दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई कहे पर बात। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है, आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे साथ मेहमान हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं उनका हम आपसे आपको रूबरू करवाते हैं। अश्विनी शाही साहब हैं बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फखरुल हसन चांद हैं समाजवादी पार्टी से, सैयद हैदर तकी साहब हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, और इसके अलावा अजय चंद चौबे जी हैं कांग्रेस से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। देर ना करते हुए मैं सबसे पहले शाही साहब आपके पास आना चाहूंगा। आप लोग आज सदस्यता अभियान चला रहे हैं, शक्ति अभियान का नाम भी आप लोग कहीं ना कहीं इसको दे रहे हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी को बीच में अमित शाह क्यों लेकर आए और कई सारे ताने मार रहे थे कि राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, हमने मंदिर बनवा दिया, बीती सरकारों ने कोई काम नहीं किया, और एक जाति का नाम भी ले रहे थे कि एक जात की पार्टी है और उसी का विकास कर रहे थे। आप अपना काम करिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये चांद भाई की दिक्कतें क्यों बढ़ा रहे हैं आप लोग? गृहमंत्री जी ने आज जो कहा, सबसे पहले तो मैं अपने सदस्यता अभियान पर आना चाहता हूँ। हम माननीय गृहमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे, तब से नितिन जी गृहमंत्री जी ने यहाँ के सदस्यों को और यहाँ के कार्यकर्ताओं को 50% वोट का लक्ष्य दिया था, और जिसको हम 11% 8% से पूरा करते करते 40% तक हम आ चुके हैं इस समय। ये उन्हीं का मूल मंत्र है जिस पर हम 40% के आसपास वोट पर हम हैं, और ये सदस्यता अभियान जब हम उत्तर प्रदेश में बढ़ाएंगे तो ये हमको 50% तक जाने में सहायता करेगा। तो ये मूल मंत्र हमारा वहां है जिससे हम अकेले 50% लेकर जाएंगे, बाकी लोग कोई 20% है, कोई 8% है, कोई 3% है, जैसे भी हैं, बाकी दल ऐसे भी हैं जो इतने नीचे हैं, लेकिन अपना हमको 50% पहुंचाना है। वो हम अपने बूथों के हिसाब से 100-100 सदस्य अगर हर बूथ पर बनाते हैं हम नए, तो उससे हमारे सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, और विश्व में हम सबसे बड़ी पार्टी पहले से हैं। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा 24 करोड़ जनता का जो है जनसंख्या है यहाँ, वो हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे कि 50% तक पहुंचे और फिर से जनता का आशीर्वाद लेकर 300 सीट से ऊपर जीतने में सहायक हों। ठीक है सर। दूसरी बात मैं आता हूँ समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी पर जो उन्होंने कहा, गलत नहीं कह रहे हैं। अच्छा। ये तो देखा गया है कि उन लोगों ने कार सेवकों के खून से सरजू के पानी को लाल किया, कहीं वही बात नहीं है, सबने देखा, पूरे विश्व ने देखा है, और वो जाति की राजनीति ही करते हैं क्योंकि MY फैक्टर हमेशा लेकर चलते हैं, तो तुष्टिकरण की राजनीति वहां होती है। जात वाला सम्मेलन तो आप लोग भी कर रहे हैं ना जी, जात वाला सम्मेलन तो आप लोग भी कर रहे हैं लगातार। नहीं नितिन जी, हमारे उनके में एक फर्क है, बड़ा बेसिक डिफरेंस है। हाँ, वो डिफरेंस जानना चाह रहे हैं जी। हाँ, मैं वही बेसिक डिफरेंस आपको बता रहा हूँ, हम भी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की जनता 24 करोड़, मैंने पहले भी कहा कि 24 करोड़ जनता, और ये सभी जातियों से धर्मों से मिलकर बनी हुई है। हम लोगों को सबका आशीर्वाद मिला है, तो हम लोग अलग अलग समय पर सबका अलग अलग हम
सम्मेलन करें या उनके नेताओं के साथ उनके यहाँ जागरूकता फैलाएं, ये हम काम करते ही रहेंगे। लेकिन वहां पर एक जात धर्म को मानकर वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति सिर्फ फोकस किया जाता है, दलित को पूछा नहीं जाता है, ब्राह्मण के नाम पर जो है वहां पर राजनीति होती है, राजपूतों की क्या स्थिति है उस दल में देखा है आपने, तो एम वाई फैक्टर को लेकर जो चलेगा उस पर ये बातें होंगी। और दूसरी बात, आपको नहीं लगता इस वक्त अगर एम वाई फैक्टर को आप लोग इस तरह से उठाएंगे, मंच से बोलेंगे, तो उसका नुकसान आप लोगों को होगा? लेकिन नुकसान फायदे की कोई बात नहीं है, हम जो कर रहा है हम समाज को आईना दिखा रहे हैं उनका, हमारे जो काम को अब देखिए 5-4.5 साल इन लोगों ने नहीं माना, और आजकल ये इनके प्रवक्ता लोग पूछते रहे आप ही लोगों के साथ डिबेट में कि भाई बताइए आपने क्या काम किया, ये सड़क आपने जो बनाया उसमें कहाँ चढ़ना है कहाँ उतरना है, आजकल तो मैं देख रहा हूँ अखिलेश जी रोज चढ़ और उतर रहे हैं, वो भी मीडिया को लेकर चढ़ उतर रहे हैं कि देखिए सड़क बनी है, विपक्षी पार्टी के हैं कुछ थोड़ा बहुत नुक्स भी निकालेंगे, थोड़ा बहुत खराबी भी बताएंगे, लेकिन आजकल उसी सड़कों को दिखा रहे हैं, पूरा देश देख रहा, कई राष्ट्रीय चैनलों पर चला भी रहे, उसी पर इंटरव्यू दे रहे हैं। तो और आजमगढ़ में अभी जो मऊ में रैली हुई है उसमें उन्होंने माना पहली बार, अब एक आधी लाइन और है, पहली बार माना कि उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन इन लोगों ने किया है, अभी तक तो ये कहते रहे कि हमने बनवाए हमने किया, इस बार उन्होंने मंच से मान लिया। तो अब ये दिन आ गए इन लोगों के और भारतीय जनता पार्टी अपने सदस्यता अभियान के साथ आगे निरंतर बढ़ती रहेगी। ठीक है सर जी, फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी से उनके पास चलेंगे। अरे चांद भाई, आज देश के गृह मंत्री राजधानी लखनऊ में थे और उन्होंने आपके कार्यकाल के बारे में बहुत कुछ बोला, उन्होंने कहा कि अखिलेश जी ये बताएं 5 साल में कितने दिन विदेश में थे और कितने दिन यहाँ पर थे, उन्होंने ये कहा। हाँ बता रहा हूँ, हाँ जी सब बता रहा हूँ नितिन जी। सबसे पहले तो मैं इनको ही बताना चाहूंगा कि 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन ही लोकार्पण हुआ था और आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए। दूसरी चीज, आपने कहा कि एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं और आजकल उसी पे से आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही है, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया, उस पे चढ़ते भी हैं उतरते भी हैं। आप तो बहुत विज्ञापन लगाते हैं कि आपने 4 एक्सप्रेसवे बना दिए, 6 बना दिए, तो वो बचे हुए 3 और 5 एक्सप्रेसवे कहाँ है जिसपे हमें चढ़ना है उतरना है? हम आपसे ये भी पूछना चाहते हो, आदरणीय अखिलेश यादव जी उन्हीं दूसरे एक्सप्रेस वे पे चढ़ना चाहते हैं, उसके भी इंटरव्यू देना चाहते हैं, आप बता दीजिएगा या अमित शाह जी बता देंगे या योगी जी बता देंगे, उन एक्सप्रेस वे पे भी हम चढ़ना चाहते हैं। दूसरी चीज, आज अमित शाह जी ने कहा कि विदेश कितने दिन गए, तो जिसका परिवार होगा, जिसके बच्चे होंगे, जिसकी जिम्मेदारी ये भी होगी कि परिवार के बच्चे हैं उनकी भी शिक्षा का जो जिम्मेदारी है, वो जो नेता उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री है जिनका परिवार उत्तर प्रदेश भी है और ये हिंदुस्तान उनका देश भी है, उनका भी एक परिवार है, ये भारतीय जनता पार्टी जिनका परिवार नहीं है वो नहीं समझ सकते। हाँ लेकिन अमित शाह जी ये कभी नहीं बताएंगे कि उनके बेटे के पास 10 करोड़ से 70 करोड़ कैसे हो गए थे, आज वो कैसे BCCI के जो है सचिव बने बैठे हुए हैं, अध्यक्ष बने बैठे हुए हैं, कैसे वो विदेश यात्राएं कर रहे हैं, कौन सा क्रिकेट खेल के वो उस जगह पे पहुंचे हैं, क्या काबिलियत है उनके में, ये कभी अमित शाह जी नहीं बताएंगे। और दूसरी चीज, इनका सदस्यता अभियान, तो भारतीय जनता पार्टी तो अपना सदस्यता अभियान आज उन्होंने शुरू किया है, हम उनको बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी भी 1 नवंबर से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने के लिए और उसका भी सदस्यता अभियान शुरू करना चाह रही है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये जो सदस्यता अभियान होगा ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान तो जिनकी जो संख्या है उससे बड़ा सदस्यता अभियान होगा, उसकी वजह है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों को केवल झूठ बोलने का काम किया, ठगने का काम किया है। ये कहते हैं कि मैंने 5.5 लाख नौकरियां दे दी, इनसे पूछिए किस विभाग में दे दी, कौन सा विभाग है, कौन से विभाग में कितनी नौकरी दी गई, एक विभाग आपको नहीं बता पाएंगे, एक नौकरी के नहीं बता पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये झूठ का फूल है, ये कमल का फूल, ये झूठ का फूल है। ये अमित शाह जी आते हैं, ये कह रहे हैं कि 22 में 300+ फिर आने वाले हैं हम और सब देखते रह जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये नीचे ये जो कह रहे हैं 300+ आने वाले हैं, ये समाजवादी पार्टी वाले 300+ आने वाले हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं आने वाले हैं, क्योंकि 300+ तो विधायक ही इनके जो इनके बने हुए विधायक हैं, 150-200 विधायक तो कभी भी इनको छोड़ के जा सकते। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी नाराज है, इनका जो स्कोर है 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 लाख बताते हैं कि हमारे सदस्य थे, उसके बाद वो बढ़ गए,
आज भारतीय जनता पार्टी को मैं चुनौती देता हूँ कि इनकी जो सदस्यता अभियान है फिर से सदस्य बनाने का काम करे भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, चांद भाई, उत्तर प्रदेश चांद भाई, वो आंकड़ा इनका 25 लाख नहीं पहुंचेगा। भारतीय जनता पार्टी पे आज जो जनता है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, महिलाओं हो, जो घरों में जिनका परिवार इन्हीं ने बिगाड़ दिया है, महंगाई से जिनका परिवार बिगड़ गया है, आर्थिक नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी ने किया ही किया है कि मानसिक रोगी भी बना दिया है परिवारों को, जिनका घर 10,000 रुपए में 10,000 और 8,000 रुपए मुश्किल से परिवार कमा पा रहा है, आज उसको भारतीय जनता पार्टी 250 रुपए में सरसों का तेल देती है और 1,000 से ऊपर ये जो है डीजल वो गैस देती है। और डीजल का दाम आप रात में सोइए, पेट्रोल और डीजल का दाम जो रात में हम सोते हैं, सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि डीजल और पेट्रोल के दाम वो बढ़ गए। तो भारतीय जनता पार्टी, आखिर आपने 5 सालों में उत्तर प्रदेश में किया क्या है? हिंदू और मुसलमान की राजनीति करके नफरत फैलाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा विकास नहीं हुआ। दो सवाल है चांद भाई, दो सवाल मेरे आपसे। पहला तो अभी आप जो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, शाही साहब ने भी MMY फैक्टर को जोड़ा है आप लोगों से, उन्होंने ये कहा है और उसका भी जवाब दे दिया, इन्होंने ये कहा है और अमित शाह जी, मेरा सवाल ले लीजिए उसके बाद। अभी भारतीय जनता पार्टी ने यादव महासम्मेलन कराया। हाँ, आज जो हमारे शाही भाई बैठ के बता रहे हैं कि MY फैक्टर है और भारतीय जनता पार्टी उनके मंत्री पानी पी पी के 5 साल गाली देते थे, यादव ये यादवों की सरकार नहीं है, ये भाजपा की सरकार है, यादव अपने होश में आ जाओ। आज भारतीय जनता पार्टी को यादव महासम्मेलन करने की आदत थी। आज भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पे 100 मुसलमानों को जोड़ने का लक्ष्य रखती है। आज ये 100 मुसलमान हर बूथ पे जोड़ना चाहते हैं। तो आप जो कर रहे हैं आप उस पर सफल नहीं होंगे। आज चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सब भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से तंग आ चुका है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक सवाल है चांद भाई, एक सवाल है, कम शब्दों में आंसर दीजिएगा। कुछ बागी विधायक सुनने में आ रहा है कि आपकी पार्टी में कल शामिल हो सकते हैं, बीजेपी वाले भी हैं क्या कुछ? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लगभग 70 से 80 विधायक ऐसे जो समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व संपर्क में है। अच्छा, लेकिन समस्या इस बात की है कि जिन लोगों को देखेंगे कि हम उनको टिकट दे पाएंगे या उनका एडजस्टमेंट कर पाएंगे, हम उनको ही लेंगे। अच्छा। कल 6 विधायक जरूर समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, औपचारिक रूप से शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्रियों के आने का सिलसिला नवम्बर के आखिरी से मैं समझता हूँ। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। अजय चंद चौबे साहब, ये बताइए, आप लोग फिर से किसानों की राजनीति करने लग गए। आज प्रियंका गांधी फिर ललितपुर गई थी, किसानों के जो मृतक किसान हैं उनके परिवारों से मिली, बीजेपी से कुछ क्यों नहीं सीखते? देखिए कितना बड़ा कार्यक्रम आज उन्होंने किया, शक्ति प्रदर्शन अपना पूरा दिखा दिया और सदस्यता अभियान कर रहे हैं कि हम फिर से 325 जीत के आएंगे। तो ये आप लोग के पास तो महिलाएं भी नहीं मिलेंगी, बीजेपी कहती है ये टिकट देने के लिए, तो थोड़ा उस पर भी फोकस करेंगे आप लोग, संगठन वगठन बढ़ाएंगे या बस इसी तरह से टूर एंड ट्रेवल वाला चलता रहेगा मामला? देखिए, भारतीय घुमक्कड़ जुमला पार्टी, जुमला बहुरूपिया पार्टी के स्वयंभू घोषित चाणक्य आज घबरा गए हैं। किससे? बौरा गए हैं। अरे, ठीक वैसे गृह मंत्री हैं देश के, ठीक वैसे ही जैसे कनक कनकते सौ गुणी माँ दत्ता अधिकार, वाह खाए बौराए जगवा, वाह पाए बौराए। अब इतना खा लिया है, इतना लूट लिया है इस देश को कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में 4 न्यायाधीशों ने 22 अक्टूबर 2021 को टिप्पणी किया कि भारतवर्ष में 69% नवजात बच्चों ने अपना जीवन कुपोषण के कारण खो दिया है। ये उस आंकड़े को देख के घबरा गए हैं कि इस हिंदुस्तान की आवाम इनके साथ क्या करने वाली है, जिसको इन्होंने 15-15 लाख देने का वादा किए थे, वो हिंदुस्तान आज कुपोषण का शिकार हो गया है। बेरोजगारी में हिंदुस्तान आज 7.2% पे पहुंच गया है। 70 साल के इतिहास में हिंदुस्तान में सर्वाधिक बेरोजगारी दर है। आज भूखमरी में हिंदुस्तान पाकिस्तान से भी पिछड़ गया है। मतलब हिंदुस्तान में भुखमरी फैल गई है। 117 देशों के सर्वे में हिंदुस्तान 101 नंबर पे है। आज बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी भुखमरी में आप बीजेपी के सदस्यता अभियान को किस नजर से देखते हैं और कितना नुकसान ये आप लोगों को पहुंचाएंगे? और
64 देशों के प्रदूषण के सर्वे में, अरे भाई ये जो सवाल पूछ रहा हूँ इसका जवाब दीजिए चौबे जी, चौबे जी जो सवाल पूछ रहा हूँ बताइए। भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान है ये बिल्कुल एक प्रोपेगंडा है और जुमला से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले इनके प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी रैलियों में जुमला फेंकते थे, सिद्धार्थ नगर गए, कुशीनगर गए, बनारस गए, जनता नहीं आई, भाड़े के लोगों को ले गए थे। अच्छा, अभी लखनऊ में एक बहुत बिच्छू महाराज मुझसे मिले, गए चौबे जी मुझे 800 रुपया मिला था कुशीनगर में जाने के लिए, अब ये खुली रैली नहीं कर पा रहे हैं, अब ये लाखों करोड़ों की संख्या नहीं गिना पा रहे हैं, अब ये बंद कमरे और बंद हाल में जुमला फेंक रहे हैं। अभी मैं कचहरी आज गया था, वहाँ कुछ कर्मचारी रिटायर हुए कह रहे थे कि हम पाते थे पेंशन 40,000, पाते थे पेंशन 80,000, लेकिन आज रिटायरमेंट पे भारतीय जनता पार्टी का जो पेंशन प्लान समाप्त कर दिया, उनको 1,000 रुपया पेंशन मिलेगी पूरे जीवन, मतलब कल महंगाई चाहे कितनी भी बढ़ जाए उनकी पेंशन नहीं बढ़ने वाली है, इसलिए इनके गृह मंत्री जी घबरा गए हैं कि उनका वोट कैसे मिलेगा, किसानों पे जैसे गाड़ी चढ़ा दिया वो वोट कैसे मिलेगा, और लखीमपुर खीरी में वह ललितपुर में 4 किसानों की मौत हुई है खाद के लिए लाइन में लगे हुए, 2 किसान आत्महत्या कर लिए और 2 किसान 2 दिन से लाइन में लगे हुए थे, जो सरकार उनको खाद और बीज नहीं उपलब्ध करा पा रही है, एक तरफ वहाँ किसान मर रहा है, यहाँ गृह मंत्री जी को टाइम नहीं है उन गरीब किसानों के बीच में जाने के लिए, किसानों के कातिल लखीमपुर खीरी में जो मंत्री थे आज वो गृह मंत्री साहब के साथ मंच पे थे। ठीक है, अच्छा ये बताइए, अरे ठीक है भाई चौबे जी, राजनीतिक मंच नहीं है ना, आप तो एकदम भाषण देने लग जाते हैं भाई। रामधारी नहीं दिनकर की एक कविता शायद गृह मुद्दे पर रहिए, मुद्दे की बात आ गई होगी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इसी से तो ये जनता क्या आपके साथ आएगी क्या, इसी से बौरा गए, चौबे जी जनता मेरे साथ आएगी, ये इंदिरा गांधी कितनी सीटें इस बार कांग्रेस जीत सकती है, इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, अरे सुनिए तो, 4 टुकड़े करने वाली है और 300 नहीं 400 सीटें जीत के कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत, ये तो बड़ा मजाक कर रहे भाई, 45% महिलाएं हमारे साथ, 22% ब्राह्मण जिनको कुठारा ठीक है, हो गया प्लीज हो गया, वो हमारे साथ है, 6% पिछला भी वोट हमारे ठीक है, हो गया चौबे जी प्रदेश की जनता ठीक है, प्लीज चौबे जी मैं ऑडियो डाउन करा दूंगा आपका, हो गया ऑडियो डाउन करा दूंगा अगर इसी तरह से करेंगे आप तो, प्लीज जब बोलूं तो शांत रहिए और सुनिए भी तो कम से कम सामने वाले को कि वो क्या कहना चाहता है। सैयद मोहम्मद तकी साहब मैं आपके पास आऊंगा, आम आदमी पार्टी से, ये बताइए आज बीजेपी का ये जो सदस्यता अभियान लखनऊ में शुरू हुआ, अमित शाह मौजूद थे और उन्होंने कई बातें भी बोली, 2024 के चुनाव तक को उन्होंने कहा कि इसकी नींव जो है 22 में रखनी पड़ेगी, मैं यहाँ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को क्या हो गया कि अचानक से आप लोग बिल्कुल साइलेंट मोड में चले गए, आपके नेता आपके प्रभारी सब साइलेंट मोड में चले गए, क्या ऐसा लग रहा है क्या कि कोई गलत बात आप लोगों ने कह दी 403 सीटों पर लड़ने को लेकर के, और आपके पास संगठन नहीं है, नेता नहीं है, और इसी वजह से कुछ परेशानियां हैं क्या आप लोगों में? देखिए बहुत पहले गालिब साहब ने शेर कहा, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, करोड़ों कार्यकर्ता है और 4 करोड़ कार्यकर्ता और जोड़ने हैं, केंद्र में 303 की सरकार कहती है और उत्तर प्रदेश में भी 300 ज्यादा इनके पास विधायक हैं और डबल इंजन की सरकार है, और अमित शाह अभी कह रहे थे इतना साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, अमित शाह कह रहे थे कि हमारी जो पार्टी है वो जो कार्यकर्ता कहते हैं उसके हिसाब से नीतियां बनाती है, मैनिफेस्टो बनाती है। मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह से, कौन सा कार्यकर्ता आपसे कहता है कि आप पेट्रोल 101 रुपए लीटर कर दीजिए, कौन सा कार्यकर्ता कहता है आपसे डीजल महंगा कर दिए, कौन सा कार्यकर्ता आपसे कहता है कि आप 1,000 का सिलेंडर कर दिए, कौन सा कार्यकर्ता कहता है कि आप महंगाई बढ़ा दिए, आप प्लेटफॉर्म टिकट के रेट बढ़ा दिए, आप रेलवे टिकट बढ़ा दिए, कौन सा कार्यकर्ता है कि आप जनरल टिकट जो है बंद कर दीजिए और सारे रिजर्वेशन टिकट कर दिए, ये कौन से कार्यकर्ता आपको बता रहे हैं, कौन से कार्यकर्ता आपको सुझाव दे रहे हैं, सब ये कोई कार्यकर्ता नहीं है, ये आपकी पार्टी के अंदर जो कॉर्पोरेट के बड़े बड़े लोग घुस गए
वो आपकी पार्टी की नीतियां बना रहे हैं और एक साठगांठ हो गई है भारतीय जनता पार्टी की कॉर्पोरेट की, बड़े अदानी अंबानी से, उसके अनुसार जो नीतियां बनाई जा रही ताकि जनता का दोहन किया जाए, जनता को कैश काउ समझा गया है, कितना उसको धो लो, उसे पैसा निचोड़ लो और इस तरह की बातें कहके जो है जनता को गुमराह करो। रहीम दास जी कह गए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस तरह का झूठ सरे आम बोले गृह मंत्री, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश जनता कोई बेवकूफ नहीं है कि आप झुंझुना पकड़ाएंगे वो समझ जाएगी, बहुत ही समझदार जनता है और कोई जनता इस वक्त महंगा पेट्रोल लेना चाहती है। आप अपने संगठन के बारे में बताइए कि देखिए आम आदमी पार्टी का संगठन निरंतर लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, गाँव में शहरों में लगातार लोग जुड़ रहे हैं। कल भी बहुत सी पार्टी को लोगों ने माननीय सांसद श्री संजय सिंह के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और आम आदमी पार्टी लगातार अपना काम कर रही है, संगठन को बढ़ा रही है और हमारे हमारी लोग हमारे जो विधायक जिनको टिकट मिला है वो गांव-गांव गली-गली मोहल्ले-मोहल्ले पगडंडी-पगडंडी जाके जो है 300 यूनिट फ्री जो आम आदमी पार्टी ने वादा किया उसको बात को आगे बढ़ा जनता तक पहुंचा रहे हैं और जनता में बड़ा उत्साह है। जनता जहां भी आम आदमी पार्टी के विधायक निकल जाते हैं हजारों का मजमा जम जाता है, लोग आम आदमी पार्टी की तरफ जुड़ने के लिए तेजी से बढ़ रहे हैं और हम लगातार अपने संगठन को बढ़ा रहे हैं। आम आदमी पार्टी, फिर मैं कह रहा हूँ, बीजेपी कैसे कह रही है कि हम 300 प्लस फिर से जीत के आएंगे? अरे बीजेपी तो कह रही थी वो दिल्ली में फिर से आ जाएगी, बीजेपी तो कह रही थी पश्चिम बंगाल में उनके आ जाएंगे विधायक, बीजेपी तो बहुत कुछ कह रही थी। बीजेपी दिल्ली में हारी, राजस्थान में हारी, मध्य प्रदेश में हारी, झारखंड में हारी, पंजाब में हारी, पश्चिम बंगाल में हारी, तमिलनाडु में हारी, तेलंगाना में हारी, महाराष्ट्र में हारी, उत्तरांचल में इनके 2 बार मुख्यमंत्री बदल गए और ये फिर हरियाणा में भी हारी, हरियाणा में खट्टर साहब को संदेश दे दिया गया था। तो बीजेपी की दुर्गति तो पूरे देश में लगातार हो रही है, कौन प्रदेश में बीजेपी को वेलकम किया जा रहा है? ये तो स्वघोषित लोग अपनी खुद तारीफ किया करते हैं, अपने खुद मुंह से मुट्ठी मियां अपनी तारीफ करते हैं, अपना राजा बन जाते हैं। जनता का एक अधिकार था कि जनता कहती थी अगर सही से काम नहीं करोगे तो हम वोट देके तुम बदल देंगे, इन लोगों ने जनता को उस अधिकार का भी हनन किया है, उसके ऊपर भी जो है उसको भी गुमराह किया है, मीडिया के जरिए गलत खबरों के जरिए गुमराह करने की कोशिश की जनता को, लेकिन जनता समझ गई है अब इनकी चालाकियों को। प्रियंका गांधी ललितपुर गई थी, आप लोग भी जाएंगे क्या? बिल्कुल, हर पार्टी को, हर भारत के नागरिक को किसानों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करनी चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति निवाला खाता है, रोटी खाता है, अनाज खाता है, सबके ऊपर किसानों का का एहसान है। हम दूध भी किसान देता है, हमें सब्जी भी किसान देता है, हमें अनाज भी किसान देता है, तो हम किसान के कृतज्ञ हैं। इस धरती पर कोई भगवान है तो किसान है और भारतीय जनता पार्टी ने उन किसानों का अपमान किया, उनको रौंदा है, धरती के भगवान को रौंदने की साजिश लगातार बीजेपी कर रही है। कई इंसिडेंट हुए हैं, कल भी हुआ है, उससे पहले भी लगातार आप देखा, उस व्यक्ति को लेकर अपने साथ अमित शाह टहल रहे हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू शाही साहब। ये किसानों का जो मुद्दा है एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में गरम है क्योंकि प्रियंका गांधी ललितपुर गई हैं और आम आदमी पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि सबको जाना चाहिए, लेकिन जो लखीमपुर वाले लोग थे उन्हीं के साथ कुछ लोग और मंच पे वो भी दिखाई दिए आज के कार्यक्रम में या फिर बीते दिनों, सब कुछ ठीक ठाक ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो क्या कहना चाहेंगे आप प्रियंका गांधी के ललितपुर दौरे को लेकर के, और क्या ऐसा है कि क्या आप लोगों की तरफ से भी कुछ लोग वहां जाने वाले हैं? आप किस नजरिए से प्रियंका गांधी के इस दौरे को देख नितिन जी? देखिए प्रियंका जी कहीं जाए प्रदेश उनका है, देश उनका है, उनके जाने में कहीं रोक नहीं है। कांग्रेस पार्टी की वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उस हैसियत से कहीं जा सकती हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, उनको जहां लगेगा जहां जाना चाहिए उनको, और अपने 6% के वोट को बढ़ाना चाहिए और वो कर रही है लगी। नहीं तो ये तो कह रहे हैं इस बार 400 जीत के आएंगे, चौबे जी कह रहे हैं। चौबे जी की बात का मैं जवाब देता हूँ, चूंकि अब अगर ये आपका कहीं गलती से प्रियंका जी सुन रही होंगी तो आप पता कराइए कहीं बेहोश तो नहीं हो गई हो वो सुन के चौबे जी की बातों को, इतने जज्बात, इतना इतनी उत्कंठा, मतलब क्या बात तो भाई, आप लोग 325 कह सकते हैं तो चौबे जी भी 400 बोल सकते हैं। चौबे जी नहीं ठीक है, मैं कह रहा हूँ चौबे जी 89 तक सरकार में रहे हैं यहाँ, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आए हैं, हो सकता है आगे के भविष्य के दिनों में इनकी भी सरकार चढ़ जाए। देखिए ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता मालिक है, कब किसको कहाँ बैठा दे कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन चौबे जी का जो मतलब 6% से और 40% तक 50% तक पहुंचना बड़ा मुश्किल लग रहा है, अभी टाइम लगेगा, मेहनत करती रहेगी तो हो सकता है हो जाए। देखा नहीं कैसे हम पहुंच गए भाई शाही साहब, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार भी 14 साल लगातार सत्ता से बाहर रही है, आपकी पोजीशन ही बहुत खराब थी कांग्रेस जैसी थी, आज उसके बाद भी आपकी 303 सीटें आ गई,
तो आप ये आपके साथ ये हो सकता है, दूसरे साथ ये नहीं हो सकता। नहीं, लोकसभा उपचुनाव हारे, लोकसभा उपचुनाव आप उत्तर प्रदेश में हारे, इन लोगों ने तो ऐसा चश्मा पहन लिया है कि अगर इनके हित की बात भी बोलो तो इनको अहित ही लगता है कि भाजपा हमारी अहित। मैं तो कह रहा हूँ कि ये लोकतंत्र कुछ भी हो सकता है, तो अहित थोड़े ही बोल रहा हूँ कि आप लोग मुझे समझा रहे हैं। इतना समझ के आता हूँ भाई साहब, समझा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे भी राजनीति करते हुए वर्षों हो गए हैं। आप लोग मत समझाइए, आप लोग जनता को समझाइए कि जो आपको 6% से उठाकर 8% से आए 80% कर दे, वो जनता करेगी। और दूसरी बात मुद्दे की बात पर आइए, उत्तर प्रदेश से ही, लखनऊ से ही रास्ता दिल्ली का जाता है और 24 उनका खतरे में है, मतलब कांग्रेस पार्टी 24 में भी आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य महोदय के ने आकलन कर लिया है, स्पष्ट हो गया है, और इसका मतलब उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस आ गई है। ये उनके घबराहट और छटपटाहट का नतीजा है, बातें तो बाहर आई गई, और इसके हमारे इसको इस बातों को हमारे बड़े भाई आदरणीय शाही साहब आकलन कर लिए इसके लिए। अरे चौबे जी, एक अध्यक्ष तो आपको 2 साल से मिल नहीं रहा है, अमित शाह किससे कहेंगे आप? देखिए कुल मिलाकर, देखिए नीतीश जी, बात डिरेल हो जाएगी। अभी अखिलेश जी के बयान पर एक आपने कहा था कि आपस में ये लोग माराकाटी कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार। आज और आज के 2 महीने पहले उस चीजों पर विराम लग गया था। कितना कयास मीडिया ने लगाया, विपक्ष ने लगाया कि योगी जी बदले जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, ये हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में आने के बाद माननीय गृह मंत्री जी ने किस तरीके की बात कही जिससे कि मीडिया और विपक्ष के मुंह पर ताला लग गया। आज उन्होंने बयान से ये सारे कयास को बंद कर दिया कि भाई कयास मत लगाइए आप लोग, योगी जी इस प्रदेश में मुख्यमंत्री थे और आगे भी रहेंगे, ये उन्होंने बोला है। मोदी जी देश में प्रधानमंत्री थे और आगे भी रहेंगे, ये उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है। दूसरी बात, अभी हमारे सपा के साथी चांद भाई ने कहा कि 10 करोड़ से 70 करोड़ की संपत्ति कैसे हो गई। देखिए चांद भाई, राजनीति में संपत्ति मत गिनिए, नहीं तो अखिलेश यादव जी जो है किसी राजा महाराजा की औलाद नहीं थे, जो आज 300 करोड़ 250 करोड़ का घर है उनका, यहाँ से लेकर सैफई तक। मुलायम सिंह यादव जी साधारण मास्टर थे, साधारण परिवार के थे, तो ऐसे मत गिना कीजिए कि कौन क्या है। आज देश में अंबानी और अडानी को गाली देते हैं लोग, लेकिन तीसरी सबसे धनी महिला सोनिया गांधी कैसे हैं, वो किस रानी की बेटी थी, किस राजा की बेटी थी, ये भी नहीं। ये देखिए राजनीति में नहीं है, अंग्रेज भी उनके हाथ कपड़े धुलते थे जिनको फॉलो करते हैं। पंडित नेहरू के कुर्ते भी फ्रांस और पेरिस धुल के आते थे, वो उस जमाने में भी भिखारी नहीं थे, फिर भी हिंदुस्तान के लिए सर्वाधिक जेलों में रहने वाले पंडित नेहरू थे। अभी मैं कुछ कहूंगा तो बुरा लग जाएगा चौबे जी, चौबे जी मैं कुछ कहूंगा बुरा लग जाएगा। कह दीजिए, क्या कह रहे हैं, कह दीजिए। सोनिया गांधी, चौबे जी कह क्या रहे हैं, सुन लीजिए पहले क्या कह रहे हैं शाही साहब, क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सोनिया गांधी की बात कर रहा हूँ, क्या करती थी शादी के पहले, वो कहाँ से संपत्ति आ गई, मोतीलाल नेहरू के जमाने तो लद गए, क्या करती थी बताइए, क्या करती थी आप ही बता दीजिए, वो क्या करती थी उनके गृह मंत्री जी क्या करते थे, चौबे जी क्या करती थी सोनिया जी बताइए हमको। आपके मुख्यमंत्री जी मठ पे जाने से पहले दिल्ली में क्या करते थे, अरे भाई फिर सीएम साहब क्या करते थे, मैं क्या कर रहा हूँ सिराथू में, नहीं आज वो पेरिस का कुर्ता धुलवा रहे थे तो क्या करती थी वो, मैंने पूछा एक बार, मैंने कहा बुरा लग जाएगा ये तो बता दीजिए। आपके पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी पकड़े गए, अरे भाई सवाल मैंने पूछा, देखिए नीतीश जी अब बुरा लग गया इनको, मैंने कहा अभी मैं पूछूंगा बुरा लग जाएगा, आए बाय बस आए बाय बोलने लगे। चौबे जी बीच में मत बोलिए, सुनिए चौबे जी क्या कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए शाही साहब का, सुन लीजिए पहले चौबे जी, पहले सुन लीजिए फिर बताइए। हाँ शाही साहब क्या कह रहे हैं, पूरी बात करिए। देखिए चौबे जी मैंने कहा कि अभी मैं कहूंगा बुरा लगेगा, इसे बीच में ना बोले, कृपया निवेदन है कि हमारा सुन ले, उसके बाद आपके टर्न पे मुझे गाली देते रहे, मैं सुनता रहूंगा। मेरा ये कहना नितिन जी, देखिए उत्तर प्रदेश में और देश में राजनीति होती है, कांग्रेस पार्टी इस समय रसातल में चलती जाती जा रही है, राजस्थान में क्या स्थिति है, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, पंजाब कहाँ जा रहा है, ये किसी से नहीं छुपा है। और अभी हमारे आम आदमी पार्टी के भाई साहब कह रहे थे, वो गिना गए कि राजस्थान में मध्य प्रदेश भी नाम ले लिया, महाराष्ट्र, अरे भाई महाराष्ट्र में मेरा साथी हमको छोड़कर चला गया था, चुनाव हम जीते थे, ये आप उत्साह में मत बोल जाया करिए, सरकार नहीं आपकी, सरकार नहीं आपकी, अरे भाई बिहार में क्या कहना, जीते थे मैं चुनाव हारने की बात आप कहे थे, मैंने चुनाव हारने की बात को बोला, हम जीते थे, हमारा साथी हमको छोड़कर चला गया था, तो हम आज सरकार में नहीं है,
लेकिन आवाम महाराज के अलावा 10 जगह आ रहे हैं। अरे भाई आप लोगों की तरह हम वो नहीं, बेहयाई नहीं करेंगे हर जगह वाली बात। मैं जो तथ्यों वाली बात है तथ्यों वाली बात कर रहा हूँ। आपने चुनाव जीतने की बात की, मैं सरकार बनाने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं चुनाव हम लोगों ने जीता, महाराष्ट्र का नाम आपने लिया, मैंने महाराष्ट्र की बात की, मैंने और कहीं की बात नहीं की। अरे मैंने महाराष्ट्र के अलावा और भी 10 स्टेट का नाम लिया है। जहाँ भी लिया हो आपने और जहाँ भी लिया हो, उत्तर प्रदेश में हम आज जो है सदस्यता अभियान पर आज चर्चा कर रहे हैं नितिन जी हम लोग, और सदस्यता अभियान हमारा जो 100 सदस्य हम हर बूथ पर बनाएंगे, वो सदस्य गांव गांव जाएगा हमारे वहां पर है उस बूथ पर, और हमारे जो जनता के कल्याण के जो भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने का काम करेगा। हमने कितने लोगों को शौचालय दिया, कितने लोगों को आवास दिया, कितने लोगों को उज्ज्वला दिया, कितने लोगों को हमने आयुष्मान योजना का लाभ दिया, कितना जनधन अकाउंट खोला गया, कितने लोगों को हमने जो है किसान सम्मान निधि दी, कितने लोगों को किसान बीमा दी। एक मिनट शाही साहब, एक मिनट, ये मोहम्मद तकी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं। देखिए जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो बीजेपी प्रशासन से बहुत परेशान हो चुकी किस है। किस तरह से परेशान है? परेशान इस तरह से हो गई कि आपने देखा लगातार जिस तरह से कांड हुए उत्तर प्रदेश में, और जिन कांडों में जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, ऊपर जिनके साथ बिचारों के साथ हादसा हुआ उनको जेलों में ठूस दिया गया। हमने शौचालय दिया, हमने गैस कनेक्शन दिया, इन्होंने जो कुछ दिया सब पेपर पे दिया, इन्होंने पेपर पे दिया, गड्ढा मुक्त भी करा दिया उत्तर प्रदेश को। आप चलिए मेरे साथ लखनऊ में टहलिए तो 4-5 किलोमीटर में इतने गड्ढे गिना दूंगा आप गिर नहीं पाइएगा। इन्होंने कहा देसी घी देंगे, देसी घी मिला आज तक आपको? 5 किलो देसी घी बांटने वाले थे, आए देसी घी आपको? इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। इनके सारे वादे जो है पेपर पे हैं और जनता उब चुकी है इस वादों से, फर्जी वादों से। अब जनता ऐसे लोगों जानती है जो भगवान राम की तरह हो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह हो, जो कहे वो रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरविंद केजरीवाल जी वही है जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं, वो रघुकुल की रीत को निभा रहे हैं, जो प्राण जो प्रण करते जनता से उसको करते, जो वादे 70 वादे किए थे 70 वादों से ज्यादा कर दिया। तो रघुकुल रीत की सही निर्वाह जो करने वाला एक ही व्यक्ति है पूरे भारत में, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। वही अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में भी आ रहा है, संजय सिंह आ रहे हैं, काम करेंगे हम लोग ऐसे ही। ठीक है शाही साहब चौबे जी की भी सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। चौबे जी देखिए, आदरणीय प्रवक्ता महोदय जी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस को बता रहे थे रसातल में 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद से जिन भी राज्यों में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी केवल गुजरात में अपने दम पे चुनाव जीत पाई, और उत्तर प्रदेश में सारे भ्रष्टाचारियों का, मौका परस्त लोगों का गठबंधन बना के किसी प्रकार से जीत पाई थी। उसके बाद जितने भी राज्यों में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी सभी जगह चुनाव हारती चली गई। वहां इन्होंने विधायक खरीद के सरकार बनाए, या तो गठबंधन के हमारे साथी तोड़े, और हरियाणा में नियुक्ति घोटाले में, नौकरी घोटाले में जो चौटाला जी जेल में थे उनको ये जेल से बाहर निकाल के सरकार बनाए। महाराष्ट्र में इनके साथी इसलिए भाग गए कि अजीत पवार को रात के अंधेरे में देशभक्त और स्वच्छता का सर्टिफिकेट देने के लिए बुलाए, और वो सर्टिफिकेट तो लेके निकल गए, लेकिन उसी में के रात के अंधेरे में जो ये सरकार बनाते हैं बनाए थे उसमें इनके साथी छिटक गए और सरकार हमारी बन गई। उनको पछतावा आज भी है अपने क्रिया चरित्रम पे भारतीय जनता पार्टी। जवाब तो बता दे, इतने देश में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी इसके अलावा, प्रवक्ता महोदय से पूछ लीजिए, अपने दम पे कहीं चुनाव जीती है खरीद पर्व के अलावा कहीं सरकार है? ठीक है शाही साहब जी, मैं बताना चाहूंगा नितिन जी। देखिए मैं पहले आम आदमी पार्टी के भाई जो हमारा नाम कह रहे थे, मैंने सुना इनको, बहुत रघुकुल रीत सदा चली आई कुछ कह रहे थे इस टाइप से। अरे रामायण का दोहा है कुछ, क्या आपको रामायण का दोहा नहीं पता? अरे भाई नहीं पता, आप नहीं कुछ कह रहे? अरे नहीं पता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को नहीं पता? अरे शाही साहब पुराने नेता है और जानकारी उनके पास अच्छी खासी रहती है, वो ऐसे भले आप कुछ कह रहे थे मतलब भाई पता नहीं कुछ कह रहे थे जी, कहीं आपने कुछ कहा तो मैं बता रहा हूँ। वो रघुकुल रीत छत्रियों के लिए कहा गया जिस कुल में मैंने जन्म लिया है, ठीक है, वो अरविंद केजरीवाल बनिया कुल में जन्म लिया उनके लिए नहीं है, और आप रघुकुल रीत की बात वहां कर रहे हैं तो ये बेमानी है। और दुनिया में बात छत्री की बात करने जातिवाद की बात करी आपने इस वक्त, यही योगी जी करें 5 साल से लगातार जातिवाद कर रहे हैं, आपका जातिवाद जाहिर हो गया, आपने इसे मेरे ठाकुरों की बात कर दी आपने, इसमें भी सुनिए क्या कह रहे हैं। हाँ बताइए शाही साहब। वो आप कुतर्क मत कीजिए, सुनिए। देखिए नितिन जी, बुलेट ट्रेन जो है दिल्ली में चलती नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी वो है जो बुलेट ट्रेन का किराया भी निश्चित कर देते हैं, और जब आप लोग पीछे पड़ते हैं तो पल्ला झाड़ लेते हैं। उन्होंने एक बार जेटली जी के खिलाफ इस तरीके
से बहुत बड़ा वो किया, जेटली जी से उन्होंने लिखित में माफी मांग ली, नितिन गडकरी जी से उन्होंने लिखित में माफी मांग ली, तो ये वो कुल रीत का ही है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, अंत में गए कांग्रेस से समर्थन लिए, बेटों की कसम खाए कि सरकारी मकान में नहीं रहेंगे, सरकारी मकान में रहे, सारी सुविधाएं नहीं लूंगा, सब में सब केजरीवाल की राजनीति। अरे भाई देखिए, आपने कहा तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो सुन रहा था। रघुकुल रीत गिना रहा हूँ, गिनते रहिए, अभी और है मेरे पास। कोई भी सुविधा नहीं लूंगा, वो हो गया। भ्रष्टाचारियों से कोई वो नहीं। अरे बहुत हुई महंगाई की मार, अगली बार मोदी सरकार, ये तो याद करिए आप। पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, ये तो बात करिए आप। आप अपने बातों की तो बात कर लिए अश्विनी शर्मा साहब, जो 2014 में मोदी ने बात किए थे। भाई सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं। क्या है भाई, मैं तो आपने मुझे आदेश दिया, मैं शांत हो गया, मैं सुनता रहा। इन लोगों को कर्ज क्यों हो रहा है, चिढ़ जाते हैं ये लोग। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी रघुकुल रीत की बात न करे। वो राजा राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे, और वो राजा दशरथ थे जिन्होंने इस नीति का पालन किया। अरविंद केजरीवाल जैसे यू करने वाले लोग रघुकुल रीत का पालन नहीं करते हैं, उनके लिए उनको 1000 नहीं 1 करोड़ जन्म लेना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आता हूं अपने कांग्रेस के मित्र के ऊपर। कांग्रेस के मित्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश में और कहां चुनाव कभी जीते नहीं ये लोग। उत्तर प्रदेश में हम लोग अपने सारे साथियों के साथ 300 सीट से ऊपर लेके आए, ये उत्तर बहुत किसी तरीके से जीते। इन लोगों का कहना था कितने दलों का गठबंधन था, गिनतो लीजिए भाजपा का कितना सीट था। आपको देखिए, मेरे पास जो भी चीजें हैं मैं बता रहा हूँ। अरे भाई, 22 सुनिए, 22% वोट समाजवादी पार्टी पाई, 20% के आसपास बहुजन समाज पार्टी पाई, कांग्रेस पाई 6%, सुनिए 6%, और 40% अकेले भारतीय जनता पार्टी पाई, अकेले, जिसमें अपना दल नहीं था। अपना दल का 0.98%, सुभाषपा का 0.7%, ये अलग काट दीजिए। कितने लोगों का गठबंधन आपको कुछ पता है? तैयारी करके आइए थोड़ा सा, कितना वोट पाया आप बताइए, कितना कितने परसेंट, बताइए कितने परसेंट वोट मिले थे आपको। जौनपुर जी बताइए कितने परसेंट वोट मिले थे 2017 में आपको। अश्विनी शाही जी, मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के दौरे से, अयोध्या के दौरे से बीजेपी को दौरा क्यों पड़ गया, क्यों बीजेपी इतनी बौखला गई, इतनी परेशान हो गई अरविंद केजरीवाल जी के दौरे से। सुन लीजिए, भगवान राम सबके राम है, सब जा सकते हैं। अरे भाई, जिस राम को काल्पनिक मानने वाला व्यक्ति राम की पूजा कर, आम आदमी पार्टी ने कभी नहीं, आम आदमी पार्टी ने हर साल दिवाली में भगवान राम की पूजा की है, बहुत बड़े बड़े आयोजन किए दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी ने कभी नहीं किया है। ये आपके साउथ के लोग जो इनकी साहब की सरकार थी उन्होंने कहा, ये तो आपने हमेशा काल्पनिक माना है राम को, राम को काल्पनिक माना है। कभी आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है किसी ने कहा। लोकसभा चुनाव में ये करुणा निधि का स्टेटमेंट था, साउथ से उन्होंने कहा था ये। चलिए ठीक है, ठीक है, 30 दिन में महंगाई न कम कर दू। सोनिया गांधी ने कितने वकील खड़ा किए थे राम मंदिर न बने, उसमें अरविंद केजरीवाल ने सहायता की थी कि नहीं की थी, उस समय जो अरविंद केजरीवाल ने उसका विरोध किया था कि नहीं किया था, और आज अरविंद केजरीवाल राम की आरती कर रहे हैं। दौरे से इतने आप बदलाव करते परेशान हो रही बीजेपी। मैं कल से 3 दिन से लगातार सुन रहा हूँ बीजेपी के प्रवक्ता बहुत बखलाए हुए हैं केजरीवाल जी के अयोध्या के दौरे से, सबको हार्ट अटैक पड़ गया, सबको दौरा पड़ गया। नितिन जी, 1 घंटे के डिबेट में मैंने केजरीवाल जी का अयोध्या दौरा का तो मैंने नाम ही नहीं लिया, मैंने तो उनके जो है। चलिए ठीक है सर, ठीक है, समय कम है चौबे जी प्लीज समय कम है, हम सब समय कम है। मैं 30-30 सेकंड में आप लोग की बात पूरी करवाना चाहूंगा कि क्या आगे की रणनीति आप लोगों की रहने वाली है। सबसे पहले तकी भाई आप बताइए आगे की क्या रणनीति है, और बीजेपी के सदस्यता अभियान को आप लोग किस तरह से टक्कर देंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के एक गांव पगडंडी गली गली जाएगा, और उत्तर प्रदेश के जो लोग परेशान है महंगाई से, बिजली के बढ़ते हुए रेट से, पेट्रोल के बढ़ते हुए रेट से, डीजल के बढ़ते हुए रेट से,
उनसे उनको मुक्ति दिलाने की बात करेगा और उनको याद दिलाएगा कोरोना के दौरान जो तबाही रही उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार के अंदर, उससे कैसे मुक्ति दी जाए, और उनसे पूछेगा कि आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो आपके लिए वैक्सीन के लिए आवाज उठाए, जो ऑक्सीजन दिलवाए आपको, जो आपके लिए लड़े, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो ऑक्सीजन की बात करने पर आपको जेल में डाल दे। आपके पास चेहरा कौन है? हमारे पास जेला, हमारे पास चेहरा वक्त आने पर पता चलेगा आपको, हमारा जो ऊपर का जो चेहरा तो पता होना चाहिए, तब तो आप चुनाव लड़ पाएंगे उस पे। देखिए चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, इंपॉर्टेंट रखता है कि जनता को उसके अधिकार मिलने चाहिए, चेहरा कोई भी हो, लेकिन हमारी नीतियां वही रहेंगी और जनता के सहयोग की नीतियां हमारी, जनता विरोधी नीतियां नहीं रहेंगी हमारी, कि जनता की जेब पे हम डाका डालें कॉर्पोरेट के साथ हाथ मिला के। ठीक है चौबे जी, अपनी बात पूरी कीजिए 30 सेकंड में। देखिए माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव वो 2022 के लोकसभा 22 का चुनाव वो प्रधानमंत्री जी के लिए वोट मांग रहे हैं, उनके नाम पे वोट मांग रहे थे, इसका मतलब मान लिए कि उनके मुख्यमंत्री जी कुछ कर नहीं पाए और उनके नाम पे कोई वोट नहीं मिलने वाला है, वो हारने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने जनता, किसान, नौजवान, महिलाओं के सुख दुख दर्द को अपना उद्देश्य बना लिया है, उनकी हर लड़ाई लड़ी है और आज जनता कांग्रेस पार्टी के लिए उठ खड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ 10 लाख की जनता आज कांग्रेस के लिए लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने ठीक है। शाही साहब अपनी बात पूरी कीजिए और आगे की क्या रणनीति अब रहेगी, सदस्यता अभियान आप लोगों ने शुरू कर दिया और अब इसके आगे क्या हम देख सकते हैं? जनता पार्टी इकलौती एक पार्टी है जो ग्रास रूट पे काम कर रही है। देखिए हम हर बूथ की बात कर रहे हैं, हर बूथ का मतलब अगर एक कोई सेंटर है वहां पर 3-4 बूथ होते हैं और हर बूथ की हम बात कर रहे हैं और हर बूथ पर जाकर हम काम करने वाली पहली पार्टी है। हम सदस्यता को पहले मजबूत अपने करेंगे, अपने वोटर बढ़ाएंगे, उसके बाद हम अपने जो 50% का हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम प्राप्त करने की तरफ चलेंगे, जिसमें 10% का अभी गैप है, हम 40% तक पहुंच चुके हैं और उन्हीं लोगों के द्वारा, उन्हीं कार्यकर्ताओं के द्वारा हम अपनी योजनाओं को जो बेहतर काम देश हित के लिए, काम हमने प्रदेश हित के लिए किए हैं वो जनता जन जन तक पहुंचाने का काम भी वही हमारे कार्यकर्ता करेंगे। एक अकेली पार्टी है जिसने कोरोना में सबसे बेहतर काम किया, अरविंद केजरीवाल जी जब गैस की किस तरीके से ऑक्सीजन का वहां हुआ सब कांड सब लोगों ने देखा, पहले वाले में जब माननीय गृहमंत्री जी आए तब दिल्ली सुधरी, वैक्सीन के नाम पर लोगों ने किस तरीके से रोना रोया, उसके बाद जब केंद्र सरकार ने वैक्सीन दिया तो शांत हुआ मामला, तो ये किसी से छिपा नहीं। क्या दिखा रहे हैं भाई? ये सब चीजें हम लेकर जाएंगे और आने वाले चुनाव में अपना रिकॉर्ड हम लोग फिर से तोड़ने जा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। 2014 का पोस्टर दिखा रहा हूँ, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। चलिए ठीक है, मैं फिर किसी दिन महंगाई पर बात करूंगा। फखरुल हसन चांद हमारे साथ हैं। चांद भाई आप लोग की क्या तैयारियां हैं? चलिए समाजवादी पार्टी पहले ही भाग चुकी है तो ऐसा लग रहा है कि शायद चुनाव में भी ऐसा ना हो कि वो चुनाव से पहले ही अपना काम पूरा वाइंड अप करके जा चुके हैं। हाँ ये ऐसा लगता है क्योंकि ऐसी 2-3 डिबेटे हो चुकी है जहां समाजवादी पार्टी पहले ही जा चुकी है। चलिए चौबे जी का काम इसमें आसान हो जाएगा, चौबे जी 400 सीटें जीतेंगे जैसा कि वो कह रहे हैं। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है और लगभग सभी राजनीतिक दल अब तैयारी में इसमें लगे हुए हैं कि कैसे अपने संगठन को मजबूत किया जाए, कैसे अपने वोट बैंक को मजबूत किया जाए और कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाना है। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, शिक्षा, ये सारे जो प्रमुख मुद्दे हैं इन मुद्दों पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है क्योंकि 2022 का चुनाव वो चुनाव है जो कई सारे राजनीतिक दलों को खत्म कर देगा और कई सारे नए समीकरणों को बनाने वाला चुनाव कहा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस चुनाव के नतीजे क्या होंगे, लेकिन उसके पहले हमें और आपको वोट देना है और वोट हमारे और आपके मुद्दे पर ही होना बहुत जरूरी है। आज के डिबेट मिलते हैं, मैं जनमती, नमस्कार। गाना नया बनाए वो भी नकल कर ली, अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगा दी थी। जिस किसान ने अर्थव्यवस्था बचाई भारत की, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अखिलेश बाबू तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है, आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक। We'll be right back.